वेलकम फ्रेंड्स, सोल जर्नी के इस 13th डे के एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोल रिलेशनशिप। सोल की भी कोई रिलेशन होती है, सोल प्लान करते हैं, कार्मिक जर्नी है, लाइफ आफ्टर डेथ है, ऐसे कई अनमोल टॉपिक हमने आगे के एपिसोड्स में कवर किया। तो सोल कि क्या रिश्ते होते हैं, वो क्यों रिश्तों में बनती है, क्या कारण होते हैं, कैसे कैसे रिश्ते में वो आती है, ऐसी बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे आज के स्पीकर से, जिनका नाम है शुभांगी शर्मा। कल भी उन्होंने हमें सोल प्लान के बारे में काफ़ी कुछ बताया। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और अपने आप से जानना शुरू करते हैं कि हम कौन हैं, तो एक विचार मन में आता है। जैसे जैसे हम जागते हैं, हम समझने लगते हैं कि प्यार की यात्रा एक को खोजने के बारे में नहीं है, ये यात्रा एक बनने के बारे में है। जी हाँ, ये बहुत ही एक प्यारा सा कोट है जिसमें क्रेग क्रिपिन ने लिखा है, एज यू अवेकन यू विल कम टू अंडरस्टैंड that the journey to love isn't about finding the one, the journey is about becoming the one. So, दोस्तों, I welcome शुभांगी शर्मा जो हमारे बीच आज फिर से उपस्थित हुई हैं। ये गुड़गांव से रहने वाली हैं और इनका एक ही मिशन है, हम सबको प्यार के बंधन में बांधना, अपने आप से रूबरू करवाना, किसी भी तरह से कोई भी पद्धति हो, स्पेशली सोल से रिलेटेड पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, ब्रेथ वर्क, लाइफ आफ्टर डेथ, इस तरह के कोर्सेज ये लेती हैं और भी अनेक तरीके से अल्टरनेटिव हीलिंग्स के भी ये वर्कशॉप्स लेती हैं। मैं डॉक्टर रितु अग्रवाल, एनर्जी हीलर, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट एंड को फाउंडर ऑफ द हीलिंग हैंड्स फ्रॉम गुवाहाटी, असम। इस सोल जर्नी के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जो रोज बन रहे हैं, आप इसे इतना चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आपकी प्रेरणा की वजह से हम इसमें और अच्छे से कार्य कर सके, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। यस, नमस्ते। नमस्ते रितु जी, एंड नमस्ते टू ऑल द व्यूवर्स। और बहुत बहुत धन्यवाद एक और दिन मुझे आने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, सोल जर्नी के प्लेटफॉर्म पर। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज के लिए। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोल रिलेशनशिप्स का। कल जैसे हमने सोल प्लान के बारे में जाना था कि कैसे सोल प्लान करती है, और प्लान के बाद हम एग्जीक्यूशन की बात करेंगे कि कैसे जब वो स्क्रिप्ट लिख चुकी होती है तो कैसे अब किरदार वो चुनती है, कैसी ऊर्जा चुनती है अपने जीवन के बारे में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी व्यूवर्स से कि आप प्लीज अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिया करें ताकि हम उनके जवाब दे पाए आपके सवालों के। और क्योंकि मेडिटेशन के बाद कभी कभी क्या होता है, आप उस स्थिति में रहना चाहते हैं जब आप बात नहीं करना चाहते, कुछ शेयर नहीं करना चाहते, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो इसलिए अगर आपके कोई भी सवाल हो या जो भी, जैसे जैसे हम शेयर कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, तो अगर आपके सवाल हो तो आप प्लीज़ हम उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपके कोई सवाल हैं तो हम उनका जवाब दे पाए। तो हम शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ प्रेजेंटेशन। सो दोस्तों, कल हमने बात करी थी सोल प्लान की। सोल प्लान होता है कि जब हम एक क्लैरिटी लाते हैं कि अब जो हमने नेक्स्ट जो जीवन लेना है, जो आने वाला है, उसमें हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या लेसन सीखना चाहते हैं, तो वो सब हम एक स्क्रिप्ट के तरीके से हम उस चीजों को लिखते हैं। तो जब हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं, जब हम एक राइटर जब अपनी एक स्टोरी लिख देता है, तो फिर आती है किरदारों की बातें कि कौन कौन सा रोल, क्या कौन से जने रोल प्ले करेगा।
तो उसके लिए जब हम ये सोचते हैं कि कौन करेगा, तो ऐसे 7 प्रकार के प्राणी हैं जो हमारे हम अपने आत्मलिपि में लेते हैं, मतलब कि ये आर्केटाइप्स हैं, 7 आर्केटाइप्स हैं। ऐसी ऊर्जा हम अपने जीवन में सदैव रखते हैं कि जब भी आगे की जैसी भी लाइफ सिचुएशंस होगी, ये ऊर्जा अपने आप ऐसे लोग हमारे जीवन में आते रहेंगे। और जो मैं ये बात कर रही हूँ 7 प्रकार के प्राणी, ये बुक ली है सुंदरम स्पीक्स में से, अ कन्वर्सेशन टू अवेकन योर सोल्स विजडम बाय हितेश वशिष्ठ, ये मेरे हस्बैंड ने लिखी है। और जो ये सुंदरम की हम बात कर रहे हैं, सुंदरम एक नॉन फिजिकल बीइंग है और एक हायर सेल्फ आप उनको कह सकते हैं, जिससे हितेश कनेक्ट हुए थे लाइव बिटवीन लाइफ स्टेट में, और उनके साथ उनकी कन्वर्सेशन है इस पूरी किताब में। और जो सुंदरम ने बताया हमें कि ये जो 7 प्रकार के प्राणियों के बारे में बताया, जिससे आपको भी बहुत क्लैरिटी आएगी अपने जीवन को लेके, कि आपको समझ आएगा कि अगर आपके जीवन में अगर ऐसे लोग हैं, ऐसी ऊर्जा है, तो वो आपको क्या बताने आई है, क्या सिखाने आई है। तो इस ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे, और मैं चाहूंगी हर ऊर्जा जो भी हम बात करेंगे, आप उस पे मनन कीजिए, आप उस पे अपने आप पे इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ये कौन सी ऐसी ऊर्जा है, या मेरे जीवन में ये कौन से लोग हैं जो हमें ये सिखाने आए हैं। तो जैसे जैसे आप इस पे करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, आपके भीतर भी बहुत सारी क्लैरिटी आती रहेगी अपने जीवन को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके मोस्टली, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे रिश्ते जो हैं या जो लोग हैं इन रिश्तों में, उनके साथ हमें कोई चैलेंजिंग रिलेशनशिप है या कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, तो हमें उसकी और एक अंदर से क्लैरिटी आएगी। तो जो हम शुरू करते हैं, ये 7 प्रकार के प्राणी कौन है, ये ऊर्जा कौन सी है। तो पहली जो है ऊर्जा, जिसको बोला गया है, हम बोलते हैं विद्यान्या, 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 जैसे विद्यान्या, विद्या से लिया गया है ये वर्ड। तो विद्यान्या ऊर्जा वो होती है कि जब हम अपने स्क्रिप्ट में लिखते हैं कि हमें जब हमारे जीवन में कोई टीचर के रूप में, कोई गुरु के रूप में आएगा और हमें कुछ सिखाएगा, हमें अपने लेसन सिखाएगा, जो हमें बताएगा अपने आप के बारे में, जो हमें बताएगा, जो हमारे भीतर जो लाइट, जो विजडम छुपी हुई है, उसके साथ मिलाने के लिए। और ये जो एनर्जी होती है, ये हम हर जन अपने स्क्रिप्ट में लिखते हैं इस बारे में, इस ऊर्जा के बारे में, कि ये जरूर हमें ये ऊर्जा हम अपने स्क्रिप्ट में डालते हैं। बट जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये ऊर्जा हम अपने जो जीवन आने वाला उसमें हम खोलें। कभी कभी ऐसा होता है हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, बट ये एनर्जी नहीं, ऐसे लोग नहीं हमें मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जो फर्स्ट की है इस एनर्जी को खोलने की, वो है रेडीनेस की। अगर आप नहीं तैयार होते, ये एनर्जी आपके जीवन में नहीं खुलती, चाहे आपने लिखी हुई है, बट जब तक आप तैयार है कि हाँ मैं कुछ चेंज लाना चाहता हूँ अपने भीतर, जो मैं चीजें कर रहा हूं मैं उसको बदलना चाहता हूँ, एक नया पर्सपेक्टिव देखना चाहता हूँ, तभी ये ऊर्जा खुलती है। नहीं तो आप इस ऊर्जा से दूर जाते रहते, आपको लगता है नहीं नहीं ये कहीं ना कहीं मुझे बदलने को कह रही है और मैं बदलने के लिए तैयार नहीं हूं, तो आप ये एनर्जी को नहीं खोलते हैं। तो ये टीचर की एनर्जी है, कोई गुरु की एनर्जी है, जिससे आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में विजडम सीखा है, यू नो, जैसे कि किसी के जीवन में विद्यान्या की एनर्जी, मैं कहूंगी पथरी सर होंगे, क्योंकि उनकी लाइफ चेंज हो गई, यू नो, ब्रह्मश्री सुभाष पथरी जी। किसी के जीवन में डॉक्टर न्यूटन होंगे, कि उनकी ये एनर्जी है विद्यान्या की, कि जिसको आप आत्मा के बारे में, कि जीवन को जीने के बारे में सिखाते हैं, आप खुद को जानने के बारे में सिखाते हैं। तो ये पहली एनर्जी है विद्यान्या की। और दूसरी जो एनर्जी आती है, जिसको हम बोलते हैं माया पाशम, और जैसे ये वर्ड है माया पाशम, माया क्या है, माया जिसको हम इल्यूजन कहते हैं, और जो माया पाशम की जो ऊर्जा के लोग होते हैं, वो आपके जीवन में एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। आपको लगता है कि
वो हमेशा हमें भटकाने आते हैं, यू नो, हमारे जो हमारा लाइफ पाथ होता है, जैसे आगे बढ़ने के लिए हम जा रहे हैं, वो हमेशा हमें डिविएट करते हैं, यू नो, कि नहीं, ये तुम गलत रास्ते पर हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते. वो हमेशा हमें खींचते हैं कि हम गलत जगह, अपने लाइफ पाथ पे ना चल पाए, अपने लाइफ पर्पस पे ना चल पाए. तो वो हमेशा हमेशा नीचे करते हैं और एक नेगेटिव रोल में होते हैं. और ऐसे जो ये माया पाशम के जो ऊर्जा के लोग होते हैं, इनके साथ हमारा कोई कार्मिक भी होता है, जिनका हम अपना कर्मा क्लीन करने के लिए आते हैं, जिनके साथ हमें लगता है कि हमारा पास्ट लाइफ में या पूर्व जन्म में कुछ अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने के लिए भी हम इस जन्म में ये माया पाशम के ऊर्जा के लोगों को लाते हैं, जिनको हम कुछ अनसेटल चीजें जो हमें सेटल करने की जरूरत है, हम उस ऊर्जा को लेकर आते हैं. और ये हमेशा हमें, यू नो, पुल करते रहते हैं कि हम सही रास्ते पर ना जाएं. और फिजिकल लेवल पे हमें लगता है कि ये सबसे बुरे लोग हैं, पर अगर मैं सोल लेवल पे बात करूं तो सुंदरम बोलते हैं कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं इसको आगे ले जाने के लिए, आपकी आपकी जर्नी को आगे ले जाने के लिए. बिकॉज अगर वो आपको ट्रिगर करेंगे, आपके, यू नो, आपको कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, तभी आप भीतर की जर्नी करते हो, तभी आप अपने भीतर जाते हो और देखते हो कि कैसे मैं आगे जा सकता हूँ, यू नो, कुछ और चेंज ला सकता हूँ अपने जीवन में. और अगर आप देखेंगे माया पाशम, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, माया पाशम के लोग हैं, तो देखिए, अगर आप मुझे इस समय सुन रहे हैं या आप, यू नो, अध्यात्म के रास्ते पर हैं, आप इन्हीं लोगों के कारण हैं. तो अगर माया पाशम की एनर्जी नहीं होती तो आप आज जहाँ हैं वहाँ नहीं होते. तो इसलिए इनके पीछे भी, ये माया पाशम में भी एक, यू नो, एक सुंदरता है, कहीं ना कहीं वो सुंदरता छुपी हुई है जो आपको सही रास्ते पर लेकर जा रही है. बाहर के अगर हम आउटर वर्ल्ड पे देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, ये सब कुछ बुरा करते हैं, बुरा, और हमें गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं. बट क्या है, भीतर अगर हम देखें तो ये सुंदरता है उनकी, कि वो हमें सही रास्ते पर, हमें अध्यात्म के रास्ते पर, अपने आप को और जानने के रास्ते पर लेकर जाते हैं. तो ये माया पाशम की ऊर्जा के लोग होते हैं. और तीसरी जो ऊर्जा हम अपने स्क्रिप्ट में लिखते हैं वो है नयनी की. नयनी, नयनी बना है नयन से, जैसे नयन है, हमारी दो आंखें हैं. तो नयन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जहां आप देखेंगे ऑटोमेटिकली दूसरी आंख भी वहीं देखने लगती है. अगर आप इस तरफ देखेंगे अपने आप, आपको कहना नहीं होता कि इस तरफ देखो, वो अपने आप उस तरफ, जहां आपकी नजर जाती है वो उस तरफ आपके दोनों नयन होते हैं. तो नयनी भी वही ऊर्जा है कि जहां पर आपको लगे कि एक सोलमेट कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, कि आपको लगता है कि उनकी ऊर्जा में आकर आपको एक सोलास मिल जाता है, कि आपको लगता है यही वो इंसान है जिसके साथ मैं रहना चाहूंगी, या मेरे को रहकर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने शब्दों को, और मुझे, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मुझे मिलता है. तो जैसी मैं हूँ वैसे मुझे स्वीकार किया जाता है, मैं खुल के अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, और बहुत अनकंडीशनल प्यार मुझे मिलता है, सपोर्ट मुझे मिलता है. तो ऐसी ऊर्जा के जो लोग होते हैं वो नयनी का काम करते हैं. तो वो कोई भी हो सकता है जहाँ पे आपको उनके साथ रहकर, उनके साथ समय बिताकर भी आपको वैसी लगता है कि बहुत संतुष्टि मिलती है आपको, उनकी प्रेजेंस में ही आपको बहुत संतुष्टि मिलती है. तो वो होते हैं नयनी की ऊर्जा के. और जो चौथी है वो है जीवामृतम. जीवामृतम, जीवामृतम वाले वो लोग होते हैं, हम ऐसी ऊर्जा वाले लोग होते हैं जो आपके जीवन में एक, चेंज ला देते हैं एकदम से, और एक अमृत, एक नेक्टर का आपको टेस्ट करा जाते हैं. और ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके
लॉन्ग टर्म में भी रह सकते हैं ऐसे लोग, बट ये छोटे टाइम के लिए भी हो सकते हैं कि सिर्फ आए और फटाफट चले जाए, बट आपको जीवन का रस चख करवा देते हैं कि जीवन में छुपा जो रस है आपको उसके बारे में बता जाते हैं, उसके बारे में टेस्ट करा देते हैं, आपको समझ आता है कि उनके जीवन में आने से या वो बात कहने से आपका जीवन ही पूरा बदल गया, आप कुछ और ही बन गए, यू नो, अपने आप से जुड़ गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहूँ कि अगर आप कभी परेशान थे, कभी परेशानी में थे, यू नो, जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो कोई परेशानी में और कोई इंसान आपको कोई पैम्फलेट दे देता है, यू नो, और उसने आपको पैम्फलेट पकड़ाया और वो चला गया, पर उस पैम्फलेट में कुछ ऐसा मे भी ध्यान के बारे में लिखा था, कुछ मेडिटेशन प्रोग्राम के बारे में लिखा था, किसी मास्टर के बारे में लिखा था, और आपने वो पैम्फलेट पढ़ा और यू नो आप वो उन्होंने आपने ध्यान करना शुरू करा और आपका जीवन ही बदल गया। तो जीवामृतम कौन हो गया? वो इंसान जिसने आपको वो पैम्फलेट पकड़ा, चाहे आप उसे जानते नहीं थे, बस वो उसने आपको पकड़ाया और आपने वो मैसेज लिया और आपका जीवन बदल गया। और जैसे कि अगर एक और एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, जैसे डॉक्टर न्यूटन हमें जो बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में ध्यान आया, तो वो बस में ट्रैवल कर रहे थे, एक विलेज से दूसरे विलेज में जा रहे थे, और बस में बैठ गए वो, तो उनके साथ कोई मेल बैठा था, कोई आदमी बैठा हुआ था साथ में, तो वो ऐसे ही अपने उनकी शक्ल देख के उनको लगा कि ये शायद परेशान है, तो उस आदमी ने कहा कि क्या तुम ध्यान सीखना चाहोगे, तो उन्होंने मेडिटेशन सीखना चाहोगे, तो उन्होंने बोला हाँ कहाँ पर, तो उन्होंने यू नो डॉक्टर न्यूटन के जो गुरु हैं ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी के बारे में बताया और उन्होंने बोला वो उस विलेज में रहते हैं, आप उनसे जाकर मिलकर आ सकते हो, और वो बिल्कुल यू नो गुरु के जैसे नहीं है, वो भी जीन्स पैंट पहनते हैं और तुम जाके मिलो शायद तुम्हें अच्छा लगे। तो उस आदमी ने जनरली वो जानता नहीं था डॉक्टर न्यूटन को और उसने ऐसे ही ये बात की और डॉक्टर न्यूटन को लगा कि ठीक है मैं जाके देखता हूँ और वो वहाँ गए और डॉक्टर यू नो पत्री जी से मिले और उनका जीवन यू नो ध्यान में वो अध्यात्म में उनकी जर्नी शुरू हो गई, वो सवाल शुरू हो गए। तो क्या हुआ, तो उनके जीवन में कौन है ये जीवामृतम, वो पर्सन जो उनको बस में मिला था, जो उनकी सीट के साथ बैठा था। तो ऐसे कोई लोग, कोई ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो आपका जीवन एकदम से बदल दे, यू नो, चाहे आप उसको जानते हैं ज्यादा देर के लिए या नहीं भी जानते हैं, तो वो आपके जीवन में ऐसा कुछ बदल देते हैं कि आपका जीवन पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाता है, आपको लगता है कि एक बिग शिफ्ट आ गया है आपके जीवन में, तो वो जीवामृतम की ऊर्जा होती है। और नेक्स्ट है जो ऊर्जा हम अपने स्क्रिप्ट में लिखते हैं वो है श्याम वर्णी। श्याम वर्णी क्या है? श्याम वर्णी का मतलब जैसे श्याम, जैसे संध्या जब अंधेरा सा होने लग जाता है, श्याम हो जाती है, तो श्याम वर्णी उसी से बना है। श्याम वर्णी का मतलब है कि शैडो सेल्फ, कि हमारे सबकी भी शैडो सेल्फ है। तो ये ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके शैडो के बारे में बताती है, जो आपको बताती है, जो हम लोगों में ज्यादा जज करते हैं, तो वो ये बता रही है कि जो हम किसी में जज कर रहे हैं वो हमारे ही भीतर है। तो ये आपको खींचते हैं थोड़ा सा कि ना तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, मतलब वो आपको हमेशा नीचे की तरफ दिखाएंगे कि तुम में वो क्षमता नहीं है, और जितना आप उनको जज करोगे वो और ज्यादा आपके जीवन में दिखता है। तो इनसे हमें सीखने की क्या जरूरत होती है? एक तो हमें एक्सेप्टेंस सीखने की जरूरत है कि जैसे मैंने बोला था कि दिन है तो रात भी है, तो अगर शैडो भी है जो हमारी अंदर है, शैडो सेल्फ भी, हमें उसे भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हमसे भी कभी गलतियां होती हैं या शैडो सेल्फ होती है, किसी की जेलसी वाली, किसी की ग्रीड वाली, तो उन सेल्फ्स को भी हमें एक्सेप्ट करना है। तो हमें ये क्या सिखाने आते हैं कि एक्सेप्टेंस को और इक्वानिमिटी को। इक्वानिमिटी क्या होती है? कि इक्वल, कि हम बुरे अच्छे को इक्वली देखें, ये ना कहें कि अच्छा ऊपर है और बुरा नीचे है, बुरे की अपनी जगह है, अच्छे की अपनी जगह है, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है,
हर में कुछ ब्यूटी है, कुछ सुंदरता है जो हमें देखने की जरूरत है। तो ऐसे ही ये श्याम वर्णी है जो हमें ये ऊर्जा, ये लेसन्स के बारे में सिखाती है कि हम कैसे इक्वानिमिटी ला पाए, इक्वल चीज लाएं, हर किसी को, हर इंसान को इक्वली ही देखें कि हम में भी वही क्षमता है जो उस इंसान में है। तो हम इक्वानिमिटी लाएं लोगों के भीतर और एक्सेप्टेंस लाएं कि जैसे वो हैं, जो भी लोग हैं आसपास, हमें उनको एक्सेप्ट करना, उनको स्वीकार करना है जैसे वो हैं, हमें उन्हें बदलना नहीं है। तो हमें ये श्याम वर्णी सिखाते हैं, ये हमारी शैडो सेल्फ के बारे में बात करते हैं। तो आप कहेंगे कि श्याम वर्णी और माया पाशम कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, यू नो, कि दोनों ही आपको पुल करते हैं, नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। बट ज्यादा डिफरेंस क्या है माया पाशम और श्याम वर्णी में? जो माया पाशम की एनर्जी है वो आपकी पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड होती है कि उनका कोई आपका पूर्व जन्म से कोई नाता था या जो आप ठीक करना चाहते हैं। बट जो श्याम वर्णी है, ये जरूरी नहीं है कि वो पास्ट लाइफ से आए, वो करंट लाइफ से भी, सिचुएशन से भी आ सकते हैं लोग आपके जीवन में जो आपको बोले कि आपका नहीं हो सकता, यू नो, थोड़े टाइम पीरियड के लिए आए, फिर चले जाएं, फिर आए चले जाएं। तो इनका इतना इमोशनल ट्रिगर मैं कहूंगी नहीं होता जितना माया पाशम का होता है। माया पाशम से आपको बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि इसको मैं बेयर नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा मेरे जीवन में सबसे चैलेंजिंग अगर कोई है तो वो ये वाली ऊर्जा है माया पाशम वाली। तो वो बहुत इंटेंस होती है, मैं कहूंगी इतनी इंटेंस श्याम वर्णी नहीं होती, बट माया पाशम की एनर्जी बहुत इंटेंस होती है। तो ये है श्याम वर्णी, आपकी शेडो के ऊपर आपको काम करने के लिए, जो आप जज करते हो ज्यादा लोगों में, उस पे काम करने के लिए बताता है। और फिर आती है भूमि वर्णी। भूमि वर्णी क्या है? भूमि वर्ड से बना है, जैसे हम धरती बोले इसको, भूमि बोले, यू नो, तो भूमि वर्णी होती है जो हमें ऐसी ऊर्जा जो हमें ग्राउंड करके रखती है, ग्राउंडिंग करके रखती है। क्योंकि हमें लगता है कि ये ऐसे लोग हैं जब जो हमारे टेस्ट लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा मैंने ये सीख लिया है, मुझे ये आता है, तो ये लोग होंगे वो कहेंगे अच्छा तुम्हें ये आता है, चलो ठीक है ये करके बताओ फिर, यू नो, वो आपको टेस्ट लेंगे। जैसे कि आप कहोगे कि हाँ मैं तो ध्यानी हूँ, मैं 3 साल से ध्यान कर रहा हूँ मैं, अच्छा, वो कहेंगे अच्छा ठीक है चलो देखते हैं तुम कितना तुम ध्यान हो। तो जैसे ही आपको कहीं गुस्सा आएगा तो कहेंगे देख लो ये तुम्हारा ध्यान है, अभी भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वो लोग आपको ना खींचेंगे, मतलब वो खींचना इन द सेंस वो आपको ना, क्योंकि हमारी ईगो क्या होती है, थोड़ा सा हम उड़ना शुरू कर लेते हैं कि अब तो मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, यू नो, अब तो मेरा ये भी हो गया, मैं ये मास्टर बन गया हूँ, मैंने ये भी सीख लिया, अब तो मेरे को इतने साल हो गए हैं इस जर्नी में आते। बट भूमि वर्णी वाले लोग क्या आते हैं, वो आपको धरती पर लेकर आते हैं, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते कि अब यहाँ पे अपनी लाइफ बताओ। वो बैलेंस बना के चलते हैं, ना ही वो एक्सट्रीम्स में नहीं रहते कि ये नहीं कि बिल्कुल ही अध्यात्म की तरफ चले जाओ या पूरे ही आप यू नो वर्ल्डी लाइफ में हो जाओ। तो वो आपका बैलेंस बना के रखते हैं कि नहीं, आपको धरती पर भी रहना है, आपके जो ये आप कह रहे हो कि आपको सीख गया, वो जैसे होता है ना, बच्चे कहते हैं अच्छा अब तो मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा आ गया, वो कहेंगे चलो ठीक है फिर मैं टेस्ट लेते हैं, चलो आज आपका क्रिकेट खेल के देखते हैं, और कहीं आपसे कोई कैच छूटी और वो उसी वक्त कहेंगे देख लिया तुम तो कह रहे थे तुम्हें आ गया है पर अभी नहीं आया है। तो वो आपको बार बार ये याद दिलाते कि अभी और काम करने की जरूरत है, यू नो, और सीखिए और अपने पे काम करिए। और जो जैसे मैंने बोला कि हमारी ईगो इतनी इन्फ्लेटेड हो जाती है, हम उड़ने लग जाते हैं, तो वो हमें बांध के रखते हैं कि आप अपने पैर अपने धरती पर जमाए रखें, आप उड़े आसमान तक उड़े पर पैर आपके जमीन पे लगे रहने चाहिए। तो ये हमारे भूमि वर्णी का काम रहता है। और इसके बाद जो आते हैं वो है सूर्य वर्णी। जो लास्ट हमारा आर्केटाइप है वो है सूर्य वर्णी। तो सूर्य वर्णी कहाँ से आया है? सूर्य, जैसे कि हम सूरज की ऊर्जा बोले, जो इतना तेज है उसके अंदर, पैशन है। तो ये लोग जो होते हैं ये हमें इंस्पायर करते हैं,
एक सूरज के तेज के जैसे चमकते हैं, तो हम हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड होते हैं उनकी तरफ बनने के लिए, उनके जैसा कुछ काम करने के लिए, चाहे हम उनसे कभी मिले नहीं हैं, सिर्फ हमने उनके बारे में सुना है या फोटो देखी है या उनके बारे में कोई किताब पढ़ी है, बट तब भी हमें लगता है कि हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है, और वो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं मेरे को अपने लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए, मेरा पैशन को अचीव करने के लिए। जैसे कि अगर मैं अच्छा एक एक्टर बनना चाहता हूँ तो मे बी सूर्यवर्णी मेरे लिए हो सकता है अमिताभ बच्चन, कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा एक बहुत उम्दा कलाकार बनना चाहता हूँ, यू नो। और जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसके लिए मे बी सूर्यवर्णी की ऊर्जा कौन सी होगी, या तो वो सचिन तेंदुलकर या फिर MS धोनी के जैसे बनना चाहते, तो क्या है, तो ये सूर्यवर्णी का काम है कि वो आपके अंदर इंस्पायर करता है, आपके भीतर एक पैशन लेकर आता है अपने लाइफ को जीने के लिए, उसको अपने लाइफ पर्पस को जीने के लिए, अपने पैशन को जीने के लिए। तो आप चाहे इनसे मिले नहीं है, पर फिर भी जैसे कि किसी के लिए परमहंसा योगानंदा होंगे, किसी के लिए विवेकानंद होंगे, तो ये सारे लोग आपको, कभी आप उनसे चाहे मिले हैं या नहीं मिले हैं वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तब भी वो आपको इंस्पायर करते हैं आगे जाने के लिए, आपके पैशन को इग्नाइट करते हैं, आपके भीतर एक एक अग्नि के जैसे जलाते हैं कि आपके अंदर एक पैशन आता है कि नहीं मुझे ये अचीव करना है, जो भी मैं अपना लाइफ पर्पस लेकर आया हूँ, तो आपको हमेशा वो मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये काम है सूर्यवर्णी का। तो ये 7 तरीके की ऊर्जा है। तो जैसे जैसे मैंने बताया, आई थिंक आपके माइंड में भी आप समझ पा रहे होंगे कि कौन से लोग किस ऊर्जा में, किस कैटेगरी में, किस आर्केटाइप में आते हैं। तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी आई थिंक एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी। अगर आपने बुक पढ़नी चाहे या पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा इसके अंदर एक एक्सरसाइज है, ये 7 आर्केटाइप्स की एक्सरसाइज है। कुछ आपसे सवाल पूछे गए हैं, अगर आप वो सवालों का जवाब देते हैं तो आपके भीतर बहुत सारी क्लैरिटी आती है और आप बिल्कुल समझ पाते हैं कि कौन सा इंसान किस कैटेगरी में आता है और हमें क्या सिखाने के लिए आया है। तो अगर अभी किसी के कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं इस आर्केटाइप के बारे में या हाँ। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप जो है, जिसे हम माया पाशम के नाम से हमने समझा, तो ये हमारी लाइफ में और किस किस तरह से इफेक्ट करता है, मतलब ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये अभी हमारा उनके साथ वो कनेक्शन अभी भी है या खत्म हो गया है? क्योंकि अभी भी है तो मतलब कि आपको लगता है कि वो चैलेंजिंग है, वो उसकी एनर्जी में, अपने जीवन में उसकी प्रेजेंस से ही मेरे को कुछ होता है, आपको लगता है कि मुझे वो नेगेटिव वाइब्स अभी भी आ रही हैं, या अभी भी वो इंसान मुझे ट्रिगर करता है, उसकी थोड़ी सी वो कुछ कहता है, मैं पहले से ही मुझे लगता है गुस्सा आने लग जाता है, या उस इंसान को मैं अपने जीवन में देखना ही नहीं चाहती। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये थॉट्स भी आते हैं कि वो अंदर ये सोचते हैं कि अगर मेरे को भगवान एक पाप माफ कर दे तो मैं इस इंसान का कत्ल कर दूं। आपकी इतने एक्सट्रीम में थॉट्स चले जाते हैं कि आप उसको मारना चाहते हो, तो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है माया पाशम की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं वो, अगर अभी भी ये थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपने वो सेटल नहीं करा है कर्मा, क्योंकि अभी भी आप उसको वही दे रहे हो। क्योंकि अगर अभी आपको ये लग रहा है इस तरफ बैठ के कि वो आपको तंग कर रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात कही है सुंदरम ने जो मैं अभी एड्रेस करना चाहूंगी, इसी बात पर कि हम बोलते हैं कि अगर किसी ने आपको तंग करा है आप उसको फॉरगिवनेस दे दो, उसको माफी कर दो, आप माफ कर दो उस चीज को, आपको लगता है कि आप विक्टिम हो और आप उसको माफी देते हो। तो सुंदरम ने बहुत अच्छी बात कही है जो मेरे को हमेशा मेरे मन में, जहन में रहती है ये चीज की, सुंदरम ने कहा कि फॉरगिवनेस वाली कोई बात ही नहीं होती है, फॉरगिवनेस है ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हमें लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट है वो इतनी फ्लॉलेस हम बनाते हैं कि उसमें कोई गलती नहीं हो सकती,
जो हम सोल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें सीखना है. और ये नहीं हम कह सकते कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ या हम विक्टिम है या वो विक्टिम है. तो कोई भी विक्टिम नहीं है यहाँ पर. और अगर हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, अगर हमें लग रहा है, तो ये क्या स्क्रिप्ट बनती है, जो आप देते हो वो आपको मिलता है. तो अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं तंग किया है. क्या है तो फॉरगिवनेस वाली तो बात ही नहीं हुई है. हम कहते हैं ना कि हमने जो बीज बोया वो मिलेगा, जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा. तो अगर इस समय आप उस पोजीशन पे हैं जहां पे आपको अभी वो मिल रहा है, बट मुझे वो बिग पिक्चर देखनी है जहां पे मैंने दिया था. जब हम इस बात को समझ जाएं, जी, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि जब अब हम सोल कर्मा और इन चीजों को जान रहे हैं तो अभी अवेयरनेस में जीना शुरू कर दिया, पर फिर भी होता है कि लोग कर्मा को पनिशमेंट के रूप में देखते हैं कि मैंने तो कभी भी किसी का बुरा ना चाहा, ना किया, ना सोचा भी नहीं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम इसी लाइफ टाइम का देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस लाइफ टाइम में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा. बट हमें पूर्व जन्म इसीलिए है कि हमें वो दिखाते हैं कि कहीं तो इसकी जड़ थी. अभी तो मैं क्या देख रहा हूँ, अभी तो मैं टहनियाँ पे नजर है मेरी कि अच्छा ये टहनी खराब है, ये रिश्ते खराब है, पर मैं उस टहनी को तोड़ना चाहती हूँ. पर मेरे को उसकी जड़ पे जाना है कि कहाँ से ये शुरू हुआ था. बीज मैंने ही कहीं ना कहीं बोया था, तभी वो मुझे दिख रहा है. तो इसलिए सुंदरम कहते हैं कि फॉरगिवनेस नी फ्रीइंग, हम कह सकते हैं फ्री करना. ओके, कि दूसरों को आप फ्री करें. अगर आप दूसरों को फ्री करेंगे तो आप खुद भी फ्री हो जाएंगे उनसे. आप उनको कहिए कि मैं आपको फ्री करता हूँ इस सर्कल से, यू नो, मैं आपको कहता हूँ कि हम इस कार्मिक सर्कल से फ्री हो जाएं. आप अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं. दैट इज फ्रीइंग. कि आप उनको भेज रहे हैं, उनको मुक्त कर रहे हैं अपने इस बंधन से, जो अभी देना लेना देना लेना, कभी हम देने पे आ जाते हैं, कभी हम लेने पर आ जाते हैं. तो इससे हमें फ्री करना है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जब हम एक दूसरे को फ्री कर देते हैं तो हम खुद ही फ्री हो जाते हैं. तो ये है फ्रीइंग करना. तो यही कार्मिक है कि अभी हमें लगता है कि ये पनिशमेंट है, ये दुख हमें मिल रहे हैं, बट कहीं से तो इस दुख की शुरुआत हुई थी. तो वो देखने की जरूरत है. वो ही बिग पिक्चर है. ये सोल क्या है? अगर मैं कहूंगी आप एक फिजिकल बॉडी को लीजिए, ठीक है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, ठीक है, तो आपका व्यू देखने का कितना बड़ा व्यू देख पाएंगे आप इन फिजिकल आईज से. अगर मैं कहूँ आसपास की चीजों को देखो, आप कितने किलोमीटर तक देख पाएंगे, ठीक है, कुछ मीटर तक, कुछ किलोमीटर तक देख पाएंगे. पर जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे आपका व्यू थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, आप सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे और ब्रॉड हो जाएगा, आप टेरेस चौदहवें फ्लोर पे जाएंगे, आप पूरा यू नो एक तरीके से जहां आप रहते हैं उसके आसपास के इलाके को देख पाते हैं. ऐसे ही दोस्तों सोल है. सोल देखिए कितनी बड़ी लेवल पर है. तो ये क्या होता है, ये व्यू, एरोप्लेन व्यू बोलते हैं इसको, कि जिसको सारा कुछ दिखाई दे रहा है, सारे लाइफ टाइम के बारे में पता है, क्या हम सीखना चाहते हैं, सब कुछ. वो एक ब्रॉडर व्यू, एक आपको बिग पिक्चर के जैसे दिखाती है सोल, आपकी आत्मा. अभी हम नैरोक देख रहे हैं, बट जब हम इस स्टेट में आते हैं, सोल के बारे में जानते हैं, आत्मा के बारे में जाते हैं और लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेट्स में जाते हैं, तो हमें समझ आता है अपनी लाइफ का, हम एक ब्रॉडर व्यू देख पाते हैं. और फिर उससे हमें समझ आते हैं कि कहाँ हमने कुछ किया जहाँ से हमें ठीक करना है, और कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ सीखना होता है दोस्तों. जैसे हमने कल भी बोला था कि एक्सपीरियंस करना है, सीखना है सोल को, तो वैसे ही सोल कर दिया. जैसे कि आपने बताया तो एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि ऐसा भी फ्रेज है, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ. अगर ये मेरा कार्मिक है तो मुझे नहीं पता ये कार्मिक है या नहीं, क्योंकि अक्सर बिजनेस में
या फैमिली में ऐसा कुछ हो ही जाता है, चीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि मैं प्रयास तो करूं, मुझे क्या पता कि ये कर्म है या नहीं, मुझे उससे कम से कम अपने चीज को पाने के लिए मुझे मेहनत करनी है या मुझे ट्राई करना है। अगर नहीं मिला तो मैं स्वीकार लूंगा कि ठीक है कार्मिक है, लेकिन मुझे कम से कम यू नो आई मस्ट कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन। तो क्या उसमें वो बार बार करने पर अगर उनको नहीं मिल रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये कार्मिक है? देखिए, अगर कार्मिक भी अगर वो नहीं भी मिल रहा है, बट आप देखिए दो तीन चीजें होती हैं। अगर इस लाइफ टाइम में वो नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मे बी आपके वो एलर्जी अभी नहीं थी, मे बी नेक्स्ट टाइम में आप इस जो सर्कल है इससे मुक्त हो जाओगे, बिकॉज आप एक जागरूक पर्सन हो। आप फिर भी कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, उसने मेरे साथ किया, मैं उसको फ्री करता हूँ कि ठीक है, जो भी गलती हुई, जो भी हुआ, मैं उसको फ्री करता हूँ इससे। और मेरी तरफ से कोई भी उसके प्रति कोई ग्रजेस नहीं है, मेरी ऊर्जा उसके लिए बिल्कुल न्यूट्रल के जैसे। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसको बहुत अच्छा कहने लग जाओ, जो कि फैक्ट नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसको ये नहीं कहोगे, हाँ तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, थैंक यू आ जाओ गले लग जाओ। आप ऐसा नहीं कहोगे, आप एक न्यूट्रल के जैसे रहो, ना ही अच्छा ना ही बुरा। अगर आप सोच रहे हो, आप कह रहे हो ठीक है, जो हो गया शायद मेरा कुछ होगा इसके साथ, जो भी होना था वो हो गया, अब मैं इसको मुक्त करता हूँ, अपनी ऊर्जा से इस एनर्जी को मुक्त करता हूँ। और मैं कोई हेट्रेड उसकी तरफ नहीं भेज रहा हूँ, मैं एक न्यूट्रल पर्सन के जैसे कह रहा हूँ, बस विश कर रहा हूँ कि ठीक है, जो मेरा था वो क्लियर हो गया, आप अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलूँ, थैंक यू, बस इतना करने की जरूरत है। और जब आप ये करते हो तो क्या है, आप फ्री हो रहे हो। हमें लगता है कि हम दूसरों को, हमें खुशी लगता है दूसरों को ना पकड़ के रखने में, कि नहीं इसने गलत किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको पकड़ के रख। उसके पकड़ने में उसको तो पता भी नहीं होगा कि आपने उसको पकड़ा हुआ है। और आप जिस चीज को पकड़ोगे, सोचो आप कितना उसी चीज पे रिस्ट्रिक्टेड हो, आप खुद ही बंधे हुए हो उस चीज को पकड़ के, है ना। अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। जैसे ही आप दूसरों को फ्री करते हो, आप खुद ब खुद फ्री हो जाते हो। तो वही है कि कर्मा अगर था जो भी था, बट अपनी एनर्जी आपको क्लियर करने की जरूरत है। जब आप क्लियर कर दोगे, चाहे वो चीज हो या दोबारा से नहीं हो आगे, पर मैं मेक श्योर करूंगी कि नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपका उसके साथ कोई सर्कल नहीं रहेगा, अगर आप क्लियर हो तो। ये यूनिवर्स बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके साथ आपका लेसन हो जाता है, आप क्लियर हो, आप जागरूक हो कि मुझे ये चीज पैटर्न दोबारा से अपने नहीं लाना जीवन में, और मैं इसके लिए ये चेंजेस करूं। तो जब वो आप लाओगे तो वो, आई एम श्योर, 100% श्योर, वो आपके कभी भी, शायद इस जीवन में हो सकता है, तीन चार पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इस जीवन में ठीक है वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा, आपके जीवन में ये नहीं होगा। अगर अभी भी हो रहा है, बट आप जागरूक हो तो अभी भी वो पैटर्न चल रहा है, ठीक है, बट अगले जीवन में वो नई चीज होगी, अगला जो लाइफ टाइम होगा आपका, उसके साथ पैटर्न क्लियर हो जाएगा। और तीसरा ये हो सकता है कि वो इंसान शायद बदल जाए आपको देखकर, कि आप इतने जागरूक हो गए हो, आपका जीवन बदल गया, तो वो इंसान को रियलाइज हो जाए कि नहीं, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, अब इसको प्रॉब्लम नहीं होती मेरे से, मैं क्यों बार बार गलत कर रहा हूँ। उसको भी ये गिल्टी लगता है कि मैं शुद्ध, शायद मेरे को अपने एक्शन को देखने की जरूरत है। तो कुछ भी इन तीनों में से पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पर ये है कि आप अपना संयम, अपना पेशेंस बना के रखे। शायद आपका लेसन पेशेंस है, तभी बार बार आपके साथ ये चीजें अगर बार बार हो रही है तो शायद आपको पेशेंस सीखने की जरूरत है। कि ठीक है, मैं पेशेंस के साथ रहता हूँ, अगर ये हो रही है शायद मेरा लेसन पेशेंस सीखने का, इसलिए यूनिवर्स मुझे बार बार ये पैटर्न दे रही है कि मैं सीख पाऊँ उस चीज से। सिंपली एक और क्वेश्चन है, हाउ टू नो इफ अ रिलेशनशिप इज सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम और कार्मिक? जो भी रिलेशनशिप है, मतलब मुझे ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आप अगर हर रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे ना, हर रिलेशनशिप, मैं कहूंगी, सोलमेट बन जाएगा, हर रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम बन जाएगा। जस्ट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, किसी पे मत डालें कि
कि अगर वो मुझे खुश रखेगा तो वो मेरा सोलमेट है। हमें लगता है कि अगर कोई हमें खुश रख रहा है, मेरे को बहुत पैम्पर कर रहा है, और बहुत लव कर रहा है अनकंडीशनली, मैं कहूंगी ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो तभी लाइफ में मजा आएगा कि कोई आपको कुछ कहे जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। वो ही आपका ट्रू फ्रेंड है जो आपको बता रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ मिस्टेक हो रही है। तो यही सोल लेवल है। मैं कहूंगी सोल मेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ये सिर्फ अभी ऊपर के लेवल पे है कि हमारी की दिमाग में ये टर्म्स है। मैं कहूंगी जो मुझे लगता है कि अगर हम हर एक रिश्ते में जो ये तीन लेसन जो मैंने कल बोले थे, लव, एक्सेप्टेंस एंड कंपैशन, अगर हम ये तीन जस्ट सिंपल वर्ड्स अगर आप कहोगे, ये सिंपल वर्ड्स है, मैं कहूंगी माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों को रियलाइज करने के लाइफ टाइम्स लग जाती है। अंडरस्टैंडिंग अभी भी है कि हमें ये तीन चीजें लानी है जीवन में, बट रियलाइजेशन इज मस्ट। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हमेशा एक आउटर लेवल पे मैं कहूंगी, रियलाइजेशन आपके भीतर से बाहर की तरफ जाती है। जब आप रियलाइज कर लोगे कि हर एक रिश्ता मुझे प्यार, कंपैशन और एक्सेप्टेंस सिखाने आया है, तो मैं कहूंगी हर एक रिश्ता सोलमेट बन जाएगा, ट्विन फ्लेम बन जाएगा आपके लिए। तो आप उससे जीना शुरू करें। इन तीन सिंपल चीजों को भी आप पकड़ लेंगे ना, मैं कहूंगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन तीन शब्दों को अपने जीवन में आप उतारिए, गहरा उतारिए, तो आप समझ पाएंगे। और कार्मिक, अगर मैं कहूंगी कैसे पता चले कार्मिक है, जैसे मैंने बोला कि आपको ट्रिगर हो रही है, उनसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में ये मुझे प्रॉब्लम देने के लिए आए हैं, और तो वो आपके कार्मिक हैं। आपको अगर लग रहा है उनकी प्रेजेंस से, उनके शब्दों से कि वो हमेशा मुझे नीचा करते हैं, नीचा दिखाते हैं और हमेशा मेरी वर्थ के ऊपर कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगी या तुमसे नहीं होगा, ऐसे शब्द यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक हैं दोस्तों, जिस पे हमें काम करने की जरूरत होगी। तो क्या उस व्यक्ति को उन लोगों से थोड़ा सा डिटैच होके रहना चाहिए कि कैसे वो करे? जैसे फैमिली में होते हैं कई लोग जो हमसे सीनियर होते हैं या क्लोज वन होते हैं, वो लेग पुलर्स भी होते हैं, लेग डाउन करते हैं बार बार, तो उनके साथ रह भी नहीं पाते और डिटैच भी नहीं हो सकते। तो इन दैट केस व्हाट इज द व्यू पॉइंट? तो माया पाशम की ये नहीं है कि हमें इनसे डिटैच होना। देखिए दोस्तों, हमें उनसे सीखना है, कुछ तो सीखना है। तो जितना हम उनसे दूर भागेंगे, वो ऊर्जा और तेज हमारी तरफ आएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस काम करता है। जितना हम रेजिस्ट करेंगे, वो चीजें परसिस्ट होंगी। तो आप कहीं भी छुप नहीं सकते उन चीजों से, तो वो कहीं ना कहीं किसी और रूप में, शायद वो इंसान के रूप में ना, वो किसी, मैंने कहा ना, सिचुएशन आपके लेसन सेम रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, चाहे आप जगह भी बदल लेंगे, आपको लगेगा वैसी ऊर्जा कोई और मुझे मिल गया, कोई और बॉस मिल गया। लोग अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं, कि इस बॉस के साथ मेरी जम नहीं रही है, मैं दूसरी जॉब करता हूँ, फिर उसके साथ भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, फिर वो तीसरी करते हैं, उसके साथ भी आने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें वो लेसन सीखने की जरूरत है दोस्तों। तो जब हमें ये समझ आता है कि जैसे जिनके साथ हमारा कार्मिक है, जो हमें सेटल इन करना है, तो हमें वो एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, देखें कि ये हमें क्या सिखाने आए हैं। जब हम ध्यानी बन जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं अपने प्रति, तो हम अपने एक्शन, अपने वर्ड्स को लेके देखें कि कहीं हमारे वर्ड्स तो नहीं लोगों को हर्ट कर रहे, कि क्या पहले कभी हर्ट हुए हो, तो क्या करें हम, जैसे मैंने बोले कि हम उनको फ्री कर दें, मन में बोले। मैं ये नहीं कह रही आप उनके सामने जाके करिए, आप ध्यान में वैसी ऊर्जा उनको भेजिए कि मैं अपना लेसन सीख चुका हूँ, जो भी मुझे आपसे सीखना था मैं वो सीख चुका हूँ, और अब मैं आपको फ्री करता हूँ इस बंधन से जो हमारा ये कार्मिक चल रहा है। मैं पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस लाइए उस जन के प्रति, क्योंकि वो बदल नहीं सकते, जैसे आप वो हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। देखिए जैसे ही आप करने लगेंगे ना कि ये ऐसे ही है, क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब हम उनको चेंज करना लाते हैं, कि ये बदले, कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। जब हम ये अपने अंदर भीतर ये ले आएंगे कि ये ऐसे है और ये ऐसे ही रहेंगे,
तो हम अपने आप वो बटन्स हमारे ट्रिगर अपने आप थोड़े थोड़े मध्यम डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, फिर हमें ट्रिगर नहीं लगेगा वो कि वो वैसे ही बोलते हैं तो उनकी आदत है ये ऐसा कहना। तो जब हम ऐसा कहने लगेंगे कि उनकी ठीक है, नॉर्मल ले उनको, न्यूट्रल ले और एक्सेप्ट करें कि ऐसे भी हो सकते हैं इंसान, कि जो जिनको दिक्कत है, जो हमेशा हमें पॉइंट करते रहते हैं कि तुम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है प्रॉब्लम है, ठीक है। जब आप उन पर रिएक्ट नहीं करेंगे ना उनकी बातों पे, तो उनको भी लगेगा कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ इनको ये सब, ये तो अब कुछ बोल नहीं रहे। उनको तो मजा आने लगा था कि मैं एक चीज बोलूंगा आप दो बोलोगे, फिर वो चार बोलेंगे, फिर वो आप 10 बोलोगे। तो क्या है, गिव एंड टेक चल रहा है, जैसे ही वो दे रहे हैं। बट कंट्रोल आप किस चीज को कर सकते हो दोस्तों? गिविंग को नहीं कंट्रोल, जो दे रहे हैं आप उनको नहीं कंट्रोल कर सकते, वो तो बोलेंगे। बट कंट्रोल कहाँ है आपकी गिविंग में, क्या आपको वैसा ही देना है जैसे वो दे रहे हैं, या आपको कुछ और देना है उनको, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी होता है शायद जो अभी आपने बताया श्याम वर्णी जो शैडो शेल्फ है, हम जैसे होते हैं वैसे ही लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ऐसी होगी, तभी वो इंसान मुझे ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही मनन करने की जरूरत है। देखिए कि क्या है ऐसा, कि मे बी 99% आप उस पे काम कर चुके हो, बट अभी भी शायद उसके कुछ क्षण 1% वो चीज जो शैडो वाली है वो आपके भीतर है, तभी वो आपके जीवन में है, कहीं ना कहीं रेजोनेंस है उसके साथ। तो वो आपको देखने की जरूरत है कि क्या है ऐसा जो मुझे अभी भी सीखा नहीं है मैंने, शायद अभी भी मेरा कुछ रह गया है सीखने को, समझने को, ताकि वो इंसान मेरे जीवन में अभी भी दिख रहा है या आ रहा है। सुगंधी जी नमस्कार। जी जी नमस्ते डॉक्टर अजय। कि हम बातें करते हैं कि हम क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया उसके वजह से हम भोग रहे हैं जी। तो जो व्यक्ति हमारे साथ आज बुरा कर रहा है, हम ये सोच के उसको टाल दें कि भाई हमने उसके साथ पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कोई बुरा किया हो। अगर मान लीजिए ये जो बुरा उसने किया है, मान लीजिए उसने ही किया है पहली बार मेरे साथ, मैंने उसके साथ कभी नहीं किया था, तो उसका फिर नेक्स्ट लाइफ में क्या इफेक्ट होने वाला है, ये आप डिसाइड करेंगे। देखिए कि अगर पहली बार उसने किया है तो क्या आप उसको माफी दे सकते हैं, या आप उसके भीतर अपने भीतर ग्रजेस रखेंगे कि नहीं अब इसने गलत किया, अब मेरी बारी है गलत करने की। जैसे मैंने बोला, जो भी लोग दे रहे हैं वो उनकी कहानी है, वो उनके बिहेवियर है जिसको हम बदल नहीं सकते, बट हम क्या देना चाहते हैं सोसाइटी को, एज अ बीइंग भी पर्सन को हम क्या देना चाहते हैं? क्या हम जो उन्होंने घृणा दी है हम उस घृणा को मल्टीप्लाई करके घृणा ही दे दें, कि या मैं उसको कह सकता हूँ कि ठीक है गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो सकती है, चलो इस बंधन से मुक्त हो, कोई बात नहीं गलती हो गई उसको भूल जाओ या आगे बढ़ो, इससे सीखो, है ना, कि क्या सीखना था अगर वो एक बारी हुई या दो बारी हुई, उससे सीखो कि क्या गलती हुई जो मैं आगे के लिए कॉशियस रहूंगा, मैं वो चीज नहीं करूंगा, तो रिस्पोंड करना आपके हाथ में है, मैं आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो आपके हाथ में है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पोंड कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। कि अगर उसने कर दिया, मैं ये नहीं कह रही कि आप पीछे जन्म में जो हो गया आप अभी ये लाइटली ले लें कि ठीक है उसने मेरे साथ, मैंने कभी गलत किया होगा, अब वो गलत कर रहा है, ठीक है गलत कर ले, पर गलत कर ले तो ये क्या एक बारी आप वो ठीक है गलत होगा, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक रियलाइजेशन है कि ठीक है गलत हुआ, बट अगर वो पैटर्न बार बार आ रहा है तो आपको कुछ बताने आ रहा है कि कुछ तो है जो रह गया अभी भी अनसेटल, जो हमें सेटल करने की जरूरत है, उसमें के भीतर की सुंदरता को, उसके लेसन को समझने की जरूरत है कि वो हमें जीवन में क्या सिखाने आया है। तो उस तरीके से आप रिस्पोंड करें, जो मैं कह रही हूँ कि ये नहीं कि आप वो रिस्पोंड आपके हाथ में है, आप कैसे उस चीज को भेजना चाहेंगे वापस, वो चॉइस आपकी है, वो फ्री विल आपकी है। तो ये भाग्य में लिखा था कि वो आपको देगा, ऐसा कुछ गलत करेगा आपके साथ,
बट फ्री विल अब आपकी है कि क्या आप गलत करना चाहेंगे या नहीं, या कुछ और नया रास्ता लेना चाहेंगे। तो जैसे मैंने बोला, भाग्य, डेस्टिनी और फ्री विल हैंड इन हैंड चलते हैं। हर मोमेंट पे आपको चॉइस दी जाती है कि आपको कैसे इस चीज को करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो वो आपका आगे की पॉसिबिलिटी बनाता है। हर क्षण में हम अपना अगले का जीवन बना रहे हैं। इस क्षण में मैं क्या चॉइस बनाता हूँ, उस हिसाब से एक नई पॉसिबिलिटी खुल जाती है, एक नया जीवन, एक नया रास्ता खुल जाता है। तो इस जीवन में मैं कहूंगी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ता है। तो जो आप चॉइस बनाएंगे उस तरफ आप चलना शुरू कर देंगे, वहां के दरवाजे खुल जाएंगे, तो वैसे ही आपको लोग मिलने लग जाएंगे, वो ही आपको सिखाएंगे। तो सब मैटर करता है आपकी चॉइस पे कि आप कैसी चॉइस बना रहे हो उस क्षण में। वो है आपका मेडिटेशन, वो है आपका जागरूक रहना अपने प्रति। शुभांगी जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने बड़ी जर्नी में 26 वर्षों से मैंने एक चीज देखी है, और लोग बोलते हैं कि जो विवाह है वो स्वर्ग में तय होते हैं, और धरती पे तो हम मिलते हैं और विवाह करते हैं फिजिकली, लेकिन मैरिजेज आर मेड इन हेवन। तो फिर यहाँ धरती पे मैं देखता हूँ हर दूसरे घर में कहीं ना कहीं कोई किचकिच चलती है, हस्बैंड वाइफ का तलाक होता है, झगड़े होते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे हमने कल बात करी थी कि हमारे पास भी लोग आते हैं कि मोस्टली उनके चैलेंजिंग जो रिलेशनशिप रहता है स्पाउस के साथ रहता है, यू नो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप चैलेंजिंग होता है। तो हम बात कर रहे थे कल भी कि पूर्व जन्म में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो यू नो एनिमी होते हैं। तो वो सोचते हैं कि दूर रह के, जैसे कि अगर एक राजा के एक देश में आप थे और आप दूसरे देश में थे और लड़ते रहते थे, वो लड़ाई नहीं कभी खत्म हुई उस देशों में, तो उनको लगता है कि क्यों ना आप दूर रह के हमारे ये मतभेद खत्म नहीं हुए, तो क्यों ना हम एक छत के नीचे आके इसको खत्म करते हैं, इन लर्निंग्स को सीखते हैं, इन लेसन्स को सीखते हैं। बिकॉज सोल को एक्सपीरियंस करना है, वो हर लेवल पे देखती है कि चलो अच्छा ये पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, चलो दूर रह के देख लेते हैं, चलो थोड़ा 1 किलोमीटर की वेसिनिटी में देख लेते हैं, चलो बॉस बन के देख लेते हैं, चलो हस्बैंड वाइफ अब बन लेते हैं कि जहां पर हमें 24 घंटे साथ रहना है, यू नो, एक छत के नीचे रहना है। तो सोल एक्सप्लोर करती है सारी पॉसिबिलिटीज को कि कहीं से भी मेरे को जो सीखना है वो मुझे सीख मिल पाए। तो इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स जो हमारे ये रिलेशनशिप स्पाउस के रहते हैं वो खासकर इसलिए क्योंकि वो चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि वहीं से ही हमें सबसे ज्यादा सीखना होता है लाइफ में। तो इसलिए ऐसे हमें लगता है कि चैलेंजिंग है, बट वो हमारी ग्रोथ के लिए ही है, हमें बढ़ाने के लिए, क्योंकि यही असली रूप हमें, जो मैं कहूंगी ना भूमि वर्णी है, तो वो आपको नीचे लेके आएंगे, आपका टेस्ट लेंगी कि अच्छा ये सीख लिया, आप बताओ कहाँ सीखा, यू नो, इस लेवल पर आकर बताओ। तो वो आपको और ग्रिल करते हैं, और यू नो एक ग्रिलर के जैसे आपको रिफाइन करते हैं, जैसे एक गोल्ड है उसको कितना गर्म करते हैं, कितनी चीजों से बन के गोल्ड निकल कर आता है, सेम वैसे ही सोल को और निखरना होता है। तो वो उतना जितना ग्रिल होगी वो उतना निखर के बाहर आएगी। आपका कहने का मतलब है कि जो वाइफ हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो एनिमीज होते हैं, तो मैंने तो ऐसे भी कपल देखे हैं जो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। जी, जरूरी नहीं है, मैंने बोला जिन्होंने अगर कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, आप हितेश और मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, हम बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, अपनी जर्नी पर हैं, तो ऐसा नहीं कि हम एनिमी थे और अब हम आए और हम खुश हो गए। मैं ये बोलूं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो मोस्टली हमने पूर्व जन्म की यात्रा में लोगों को लेकर गए हैं अभी तक, जो भी हमने समझा है उस केस स्टडी से मैं बता रही हूँ कि अगर उनके कॉम्प्लेक्स रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसे पूर्व जन्म में जाते हैं जब वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कि वो अब सोचते हैं कि अब हमें म्यूचुअली आके इस चीज को खत्म करनी है। तो ये फिर वही चॉइस पे आता है, या तो आप देख के सोचे कि ये तो दुश्मन ही रहे, अब ये दुश्मन ही रहेंगे मेरी इस जीवन में, ये भी आप एक चॉइस बना सकते हैं। और आप ये चॉइस बना सकते हैं कि अब इतने सालों से ये पैटर्न चल रहा है, मुझे तोड़ना है और कुछ अलग करना है, तो आप एक डिफरेंट रियलिटी अपने लिए क्रिएट करते हो, तो वो आपके ऊपर होता है। तो जी, ये नहीं है कि सारे ही होते हैं, बट कुछ मैं कहूंगी हाँ जी कि ऐसे होते हैं कि जो एनिमी होते हैं। जी, थैंक यू सुभांगी जी फॉर रिप्लाइंग माय क्वेश्चन। ओवर टू यू। थैंक
थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। मैंने भी जो सेशंस किया और देखा है कि हमेशा हम ये सीखने के लिए जब जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और जब तक हम उनको प्यार करना नहीं सीख जाते तब तक वो हमारे जन्म जन्म तक फॉलो करते हैं, हमारे किसी न किसी रूप में आते हैं। जैसे कोई बच्चा हो, माता पिता हो, या फिर हस्बैंड वाइफ के रूप में आएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता है कि हम उनसे दूर भी नहीं हो सकते और हमें उनको एक्सेप्ट करके प्यार करना ही है। एंड ये दुनिया सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाई गई है। जैसे ईश्वर को हम बोलते हैं वो प्यार की मूर्त है, तो हम उनकी संतान है तो हम भी प्यार ही है, और जो हमने जन्म दिया है वो भी प्यार का ही बीज है। तो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ लव, ये दुनिया ही प्यार है। तो जब तक प्यार नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमें उन सारे रिश्तों में बार बार किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे, बनते रहेंगे। द लास्ट क्वेश्चन हियर व्हाट आई वांट टू टेक इज व्हाट इज स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल देखिए ऐसा वर्ड है, आप इस स्पिरिचुअल वर्ड को आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, स्पिरिचुअल यू नो थिंकिंग हो, कुछ भी हो। स्पिरिचुअल क्या है? एक एक जागरूकता है, एक अवेयरनेस है। तो रिलेशनशिप क्या होते हैं? जब आप जागरूक हो जाए अपने रिश्तों के बारे में तो वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बन जाते हैं। जब आप जागरूक हो जाए अपने जीवन के बारे में तो वो स्पिरिचुअल लाइफ बन जाती है। अगर आप अपनी यात्रा के बारे में जागरूक हो जाए कि मेरी यात्रा क्या है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही तो है, एक अध्यात्म। एक अध्यात्म क्या है? जब आप जागरूक हो जाए अपने प्रति, अपने वर्ड्स के प्रति, अपने एक्शन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, हर चीज में हमें जागरूकता, अगर हमें जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी हम और स्पिरिचुअल, मैं कहूंगी उसके अंदर एक डीप लेवल पे हम स्पिरिचुअलिटी को लेकर जाएंगे। तो हर लेवल पे जागरूक होना है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, जब हम रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है कि जब हम अपने रिश्तों को लेके हम जब अपने लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें कि जो हो रहा है मेरे जीवन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है, किसी की नहीं है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं डालूं, मैं किसी को ये नहीं कहूं कि तुम खुश रखोगे तो मैं खुश रहूंगा। मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मेरा दुख मेरे हाथ में है, मेरी वो चॉइस मेरी है कि मुझे कैसे रहना है। क्या मुझे दुखी ही रहना है, क्या मुझे खुश रहना है, ये सब मेरे हाथ में है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे खुश रखना। तो जब मैं ये अपने भीतर ले आऊं कि मुझे अपने लाइफ के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना है, अपने रिश्तों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो मैं कहूंगी वो एक स्पिरिचुअल अध्यात्म रिश्ते बन जाते हैं। तो रिलेट करना आप शुरू करते हैं रिलेशनशिप को एक दूसरी तरीके से कि अच्छा इस रिश्ते से हमें क्या सीखना है, मैं क्या जागरूकता लाऊं कि जिससे मेरा ये रिश्ता और अच्छा बने और गहरा जाए। तो वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप मैं कहूंगी कि जागरूकता आना, अवेयरनेस आना एक रिश्तों में, उसको हम स्पिरिचुअल रिलेश्योर कह सकते हैं। Sure. मतलब जो स्टार्टिंग में कोट बताया था उसमें भी यही था कि ये यात्रा एक बनने के बारे में है, किसी एक को ढूंढने के बारे में नहीं बल्कि उस एक में हो जाने में है। बिल्कुल। तो हम सब एक हैं, वननेस में हमें हमको जानना है, वननेस में जीना है। फगी फगेट लव लव लव, दिस इज द अल्टीमेट वर्ड विच वी हैव टू लर्न। जैसे उन्होंने कल भी बताया था लव कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस। यस, तो कोई भी है जैसा भी है हमें बस करते चलना है और सब कुछ छोड़ देना है। कर्म, दिस इज कर्म भूमि, वी हैव टू जस्ट फॉलो द कर्मा, अपना कर्म हमें करना। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में जो रिलेशनशिप आपने स्टार्टिंग में बताया था, विद्यामिया मतलब जो टीचर गुरु के रूप में वो
लोग शायद ऐसे रूप में आते हैं हमें जो सिखाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी भी ना समथिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम, टीचर अब वो आपके मतलब स्कूल वाले टीचर नहीं, जो आपकी सोल के बारे में जो ज्ञान दे कि जो आपके बारे में बताए, आपसे कनेक्ट करवाए और एक बिग पिक्चर दिखाए और बताए कि वो लाइट जो आप ढूंढ रहे हो वो आप ही के भीतर है, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो वो है वेदान्या एनर्जी, आपकी टीचर, आपकी गुरु की एनर्जी। ब्यूटीफुल, रियली थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट यस यस। और कुछ जी हम मेडिटेशन करेंगे या आप और कुछ इस विषय में बताना चाहेंगे? जी अगर किसी के कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस है जो वो बताना चाहे हम वो ले सकते हैं, नहीं तो यही 7 एनर्जीज हैं जिस पे हम इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें अपने साथ बैठे प्रश्नों के साथ कि कौन सी ये एनर्जी है। और हर एनर्जी में कहूँगी बुरी और अच्छी में नहीं है, हर एक एनर्जी हमें कुछ सिखाने आई है। अगर हम उसके पीछे की छुपी हुई सुंदरता की तरफ फोकस रखेंगे तो वो हम जान पाएंगे कि वो हमें क्या सिखाने आए हैं, क्या लेसन सिखाने आए हैं। और उसके जानने के बाद हम उस पे काम करना शुरू करें, अपने लाइफ में उन चीजों को उतारना शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें, अच्छी किताबें पढ़ें आप और जाने इस बारे में और अपने आप को जाने। इन सवालों से क्या होगा, आप अपने साथ जुड़ेंगे। बिकॉज हम क्या करते हैं, हमारे सवाल रहते हैं बाहर की ओर कि कोई हमें इन सवालों का उत्तर दे दे। तो मैं कहूंगी इन सवाल जो आपके भीतर से ही उठे हैं तो उनका जवाब भी आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो अगर इन सवालों के साथ आप बैठेंगे और अपने आप से पूछेंगे तो मैं कहूंगी आपको अपने हर एक सवाल के जवाब आपके भीतर से ही मिलेंगे और वो सबसे बेस्ट आंसर होंगे जो आप कहीं पे भी बाहर नहीं ढूंढ पाएंगे, जो आप ही के लिए ही है, क्योंकि आपसे बेस्ट आपको कोई और नहीं जान सकता। तो अगर आप बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आई एम श्योर आप इन सब सवालों को आप उत्तर दे सकते हैं। वेरी ट्रू। सो हम इस चीज को और समझने के लिए मेडिटेशन एक करें। जी बिल्कुल, हम ध्यान करेंगे और ये जो 7 आर्केटाइप्स के बारे में हमने बताया, इन एनर्जी बींग्स के बारे में, ऊर्जा के बारे में बताया, तो हम क्या है इस ध्यान में हम देखते हैं कि कौन है विधान्या की एनर्जी, कौन है माया पाशम की एनर्जी। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें एक्नॉलेज करना है कि वो है हमारे जीवन में, उनको एक्सेप्ट करना है और ये नहीं सोचना कि वो हमारे जीवन में रुकावट लेकर आए हैं, तो हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। तो उससे हम उनको एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें उनकी ऊर्जा को। अगर ऐसे कोई कार्मिक अगर आपको लगता है ऐसे लोग, तो उनको हम फ्री करें, उनको बोले कि अब मैं रियलाइज कर लिया है कि आप क्या करने आए हो, हमारा कर्मा है, तो मैं उसको पूरी तरीके से एक्नॉलेज करता हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और आपको भी फ्री करता हूँ इस बंधन से। तो हम ये फिर ध्यान में करेंगे। या दोस्तों, हम ध्यान स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। ध्यान जब हमारा मेडिटेशन खत्म होता है, अगर उस ऊर्जा के साथ आप बने रहना चाहते हैं तो आप प्लीज अपनी आंखें बंद करके रह सकते हैं। समय की पाबंदी के अनुसार हमें वो चीजों को विराम देना होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी उस चीज से आप उठ जाएं। आपको जितना देर मन करे आप बिल्कुल उस एनर्जी के साथ रह सकते हैं। जी जी, और ये सारे जो लोग हैं जो बताना चाहूंगी कि जो ये हमने 7 आर्केटाइप्स जो हमने बताए हैं कि जो ये हमें सिखाने के लिए आए हैं, तो ये हमें जो बताने आए हैं, ये एक ही चीज हमें बताने आए हैं, वो है हमें अपने आप से जोड़ने की। जो बताने आए हैं कि अपदीपो भवा, कि आप खुद ही वो लाइट हैं, वो अंदर भीतर छुपे हुए हैं। तो ये सारे आर्केटाइप्स जो हैं, जो आपको आप ही के भीतर की लाइट से जोड़ने के लिए आए हैं, तो आपको कहीं नहीं और जाना अपने इस लाइट के साथ, जिस लाइट से बने हैं, जहां से आए हैं, जो आपका सोर्स है, वो आप ही के भीतर है।
उसको आपको सदैव जलाए रखना है, उसके साथ सदैव कनेक्ट रहना है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम आज का ध्यान करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उनको जानेंगे और अच्छे से, और उनके भीतर भी यही वो लाइट है जो हमारे भीतर है। तो सोल लेवल पे हम सब दोस्त हैं और एक दूसरे की यात्रा में एक दूसरे को मदद करने के लिए आए हैं। तो जो ये माया पाशम के लोग हैं, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज कोई भी नहीं आएगा नेगेटिव रोल में, किसी को पसंद नहीं होता नेगेटिव रोल। सब लोग चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव रोल में रोल प्ले करें, यू नो, अच्छा अच्छा रहे, लोग हमें अच्छा अच्छा कहें। तो इसके लिए बहुत करेजियस वन है जो आए हैं एक नेगेटिव रोल में हमें सिखाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं जो हमें सिखाने आए हैं फिजिकल लेवल पर। तो उनके भीतर भी यही लाइट है जो हमारे भीतर है। तो अब हम ध्यान शुरू करते हैं। आप सब एक कंफर्टेबल पोस्चर पे बैठ जाइए। अगर आप बैठना चाहते हैं या लेटना चाहते हैं, आप अगर बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं, अगर आप लेट कर ध्यान करना चाहते हैं तो आप लेट भी सकते हैं। पर अपने आप को ये संदेश देते हुए, कहते हुए कि मैं इस पूरे ध्यान में आप मेरी आवाज के साथ बने रहेंगे, जागरूक रहेंगे मेरी आवाज के साथ, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हुए और धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले। और इस समय अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर, ध्यान भीतर की ओर लगाते हुए। हर एक बाहर जाती सांस आपके भीतर से लेकर जा रही है कोई भी तनाव, हर एक आती सांस आपके मन में, आपके शरीर में खूब सारी शांति लेकर आते हुए, एक चिंता को बाहर छोड़ते हुए और खूब सारी शांति को अपने भीतर लेकर जाते हुए। जैसे जैसे आप जागरूक हो रहे हैं अपने सांसों के प्रति, आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा एक गहरी
उसी शांति को अनुभव कर पा रही है। जैसे ही मैं 3 से 1 तक गिनूंगी, मेरे 1 गिनने तक यह शांति 100 गुना और बढ़ जाएगी। 3 हर एक कण, हर एक अंग, हर एक हिस्सा आपका शांत होता जा रहा है। 2 इस शांति को और गहरा लेकर जाए और 1 यह शांति 100 गुना और बढ़ चुकी है। पूरी तरह से आप शांत हो चुके हैं। ईशान, आप कल्पना करें या महसूस करें कि आप एक बहुत सुंदर, खूबसूरत सेंचुरी में है, एक ब्यूटीफुल वैली में। यह वैली कोई आम वैली नहीं है, ये स्पेशली आपके लिए बनी है। इस वैली में हर चीज वो है जो आपको पसंद है। पूरी तरह से महसूस करें इस वैली को और अपनी अतिंद्रियां का इस्तेमाल करें, ये देखने की, सुनने की, महसूस करने की, सुनने की। तरह से महसूस करें कि आप इस सुंदर वैली में हैं। यह एक हीलिंग वैली है। आसपास देखें क्या-क्या है इस वैली में। सब है जो आपको पसंद है, फूल, पेड़, पहाड़। हरी घास और फूलों पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां। इस वैली में वॉक करें, चलें, इस वैली को एक्सप्लोर करें, देखें क्या क्या है इस वैली में। और जैसे जैसे आप इस वैली में घूम रहे हैं, हर एक कदम जो आप चल रहे हैं, आपके भीतर एक शांति का अनुभव आप कर पा रहे हैं।
इस वैली में पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसे जैसे आप इस वैली में चल रहे हैं, इस वैली में आपको एक पाथ दिखाई दे रहा है, एक रास्ता दिखाई दे रहा है, और आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते पर चलते हुए आप आसपास देख रहे हैं, इस रास्ते के आसपास क्या है, और ये रास्ता आपको एक और खूबसूरत जगह पर लेकर जा रहा है। उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, उस रास्ते के और करीब जा रहे हैं। और ये रास्ते आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा, बहुत घना एक पेड़ है इस जगह के बीचों बीच, और ये पेड़ आपको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, और आप उस पेड़ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। पेड़ के और नजदीक और पास चलते जा रहे हैं। पूरी तरह से आप इस पेड़ के नीचे खड़े हैं। पेड़ को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? कौन सा पेड़ है ये? इस पेड़ को अच्छे से देखें। यह पेड़ रूपक है आपके वर्तमान जीवन का। देखें कि ये पेड़ धीरे धीरे लोगों में परिवर्तित हो रहा है, जो इसकी डाली है, ब्रांचेस है, परिवर्तन हो रही है उन सात प्रकार की ऊर्जा के। जो हमने अपने जीवन में उन ऊर्जा के लोगों को
देखिए कौन कौन है इस ऊर्जा के भीतर। पहली ऊर्जा देखिए विदान्या की, जो आपको आपके भीतर से जोड़ने आई है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी आपके गुरु जो फिजिकल फॉर्म में है या फॉर्मलेस है, एक ऊर्जा के रूप में है। आप पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। कौन है ये विदान्या की एनर्जी आपके जीवन में? क्या सिखाने आई है आपको ये ऊर्जा? क्या बताने आई है आपके जीवन के बारे में? भरते हैं दूसरी ऊर्जा की ओर, वह ऊर्जा है माया पाषाण की। कौन से लोग हैं इस ऊर्जा के भीतर आपके जीवन में, जिनके साथ अभी भी आपका कोई लेसन है जो रह गया है सीखने को? क्या सीखना रह गया है? विदाउट एनी जजमेंट्स अपनी जजमेंट्स को ड्रॉप कर दीजिए पूरी तरीके से। एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए क्या सिखाने आई है आपको ये ऊर्जा। बढ़ते हुए अपनी तीसरी ऊर्जा की ओर, वह ऊर्जा है नयने की। कौन है लोग इस ऊर्जा के भीतर? जो आपको अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और प्यार सिखाते हैं। जिनकी ऊर्जा में आप बेझिझक एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने शब्दों को, अपने विचारों को।
धीरे धीरे अब इस ऊर्जा से हम अगली ऊर्जा की ओर जाते हुए वह ऊर्जा है श्याम वर्णी की। कौन है इस ऊर्जा के भीतर? अपनी परछाई के बारे में बताती है, अपनी शैडो सेल्फ के बारे में बताती है। जो बताती है मेरे ही भीतर वह ऊर्जा जो छिपी हुई है वह बाहर दर्शाती है। वह ऊर्जा है सूर्यवर्णी की। कौन है इस ऊर्जा के भीतर? जो हमें सदैव मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है हमारे भीतर। पैशन को लिट करती है कि हम अपने पर्पस को अचीव कर पाए। जो सूरज के जैसे तेज चमकती है, पूरी तरह से महसूस करें इस ऊर्जा को। और अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं अगली ऊर्जा की ओर। ऊर्जा है भूमि वर्णी की। कौन है इस ऊर्जा के भीतर? जो हमें चैलेंजेस कर देते हैं, कहीं मोटिवेट करते हैं कि हम कर सकते हैं। कि हम जो भी सीखे हैं उसको और गहरा लेकर जा सके, उसे और रिफाइन कर सके। उसे अपने फिजिकल लाइफ में उतार पाए। उन लेसन को हम सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर ना रखें और गहरा लेकर जाएं। Thank you.
अपनी आखिरी ऊर्जा की ओर, ऊर्जा है जीवा मृतम की, जीवा मृतम। इस ऊर्जा के भीतर कौन है, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने हमें जीवन का रस चखाया है, जिनकी ऊर्जा से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। हम अपने आप को और जान पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। चाहे वो थोड़े समय के लिए थे या ज्यादा समय के लिए, समय देखें कि ये सारी ऊर्जा के लोग एक सर्कल के भांति खड़े हो गए हैं और आप बीच में खड़े हैं इस सर्कल के। महसूस करें, कल्पना करें कि आप हर एक जन को देख रहे हैं, हर एक ऊर्जा को देख रहे हैं, और ये देखना है एक्नॉलेजमेंट का, कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं इस ऊर्जा को कि ये सब आपके जीवन का हिस्सा है। आप इन सब से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक पेड़ अपनी हर एक डाली के साथ जुड़ा रहता है, खड़ा रहता है, उन्हें अपने हाथों में पकड़ रहता है, चाहे वो डाली छोटी हो, मोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, सूखी हो, जैसी भी हो, ऐसे ही आप इस ऊर्जा के साथ बने हुए हैं। इन ऊर्जा को पूरी तरीके से स्वीकार करें। ये आपकी आत्मा के उत्थान के लिए आई है। इनका सही महत्व जान पाए हैं, क्योंकि आप और ये अलग नहीं है। आपके भीतर भी वही ऊर्जा है जहां से आप आए हैं, और इनके भीतर भी वही ऊर्जा है, आप दोनों का जो सोर्स है वो एक है। सब पार्ट्स हैं। इन सबको हम थैंक यू करते हुए, धन्यवाद देते हुए, लेसन के बारे में पता चल गया है कि आपको क्या सीखना है इन सब से। एक बिग पिक्चर के बारे में आप जान गए हैं।
इस माया पाषण की एनर्जी को मुक्त कर सकते हैं इन लोगों को जिनके साथ अभी भी हम बंधे हुए हैं। इस क्षण में एक नई चॉइस बनाए और इन्हें कहे कि मैं आपको फ्री करता हूं अपने जीवन से, आप मुक्त हैं और मैं आपका सदैव मंगल की कामना करता हूं कि आप अपनी यात्रा पर जाएं और मैं अपनी यात्रा पर, मैं भी मुक्त हूं। धन्यवाद आपका मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे सिखाने के लिए मेरे लेसन्स। देखिए ये ऊर्जा धीरे धीरे आपसे दूर जा रही है। दिलाते रहे आपूर्ति को भव, आपूर्ति को भव, गहरी लंबी सांस ले और इसे और गहरा उतरने दे भीतर। आपो दीपो भव, इस रियलाइजेशन के साथ देखिए धीरे धीरे ये लोग, ये ऊर्जा वापस से एक घने पेड़ का रूप ले रहे हैं, एक बड़े वृक्ष का रूप। पूरी तरह से ये ऊंचा एक वृक्ष का रूप ले चुके हैं। इस समय आप इस वृक्ष को गले लगा सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, ये आपका जीवन है, ये आपका वृक्ष है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ, प्यार के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ धीरे धीरे वापस आते हुए अपने साथ, अपने अनुभवों के साथ, अपने इनसाइट्स के साथ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ धीरे धीरे हम अपने शरीर की चेतना में आते हुए महसूस करें, पूरी तरह से जागरूक रहे इस चेतना में जहां आप बैठे हैं इस समय। जब भी आप तैयार हो
अपना समय ले। अगर आप इस ऊर्जा में बने रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं। तो धीरे धीरे वापस आते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए, और जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं एक मुस्कुराहट के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और इस रियलाइजेशन के साथ अपो दीपो भवा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू आप सबका इस सेशन में जुड़ने के लिए, ध्यान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सच अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन, सुपर लवली, बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ जाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू रितु जी, थैंक यू डॉक्टर अजय, थैंक यू अंकुर जो ये बैकएंड पे ये सब काम करते रहते हैं और ये सीरीज को और लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं इतने अनगिनत लोगों को। तो मेरी यही कामना और आप सबके लिए यही प्रार्थना होगी कि ये मैं कहूँगी मिलियंस बिलियंस लोगों तक ये पहुंच पाए जो आप कर रहे हैं, और लोगों को जागरूक कर पाए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें आप लोग, और उनकी एक जीवामृतम के जैसे उनके जीवन में आप आए और उनको जीवन का ये रस चखाएं, ये नेक्टर चखाएं जो इतना जरूरी है, जो जीवन का बताने के लिए गूढ़ रहस्य बताएं जीवन के, जो आप ये सीरीज से बता रहे हैं। तो मैं कहूंगी ये और रात दुगनी चौगनी बढ़ता ही जाए और फैलता जाए। थैंक यू सो मच। यही एक छोटा सा प्रयास के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं, और आप सब मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़ कर इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी लोग के वो एकदम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलके ही इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कितना भी हमने सीखा हो, जाना हो, फिर भी अधूरा कुछ ना कुछ रह जाता है, कभी ऐसा महसूस होता है, नहीं है। ज्ञान एक गहरा सागर है, जितना इसमें डूबते जाएंगे ना कुछ मिलता ही जाता है। तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, हम सबको सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग और सीखे, मिलकर सीखे, आगे बढ़े। सिर्फ ज्ञान लेना ही नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, और फिर सबको मिलके एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज बहुत बहुत आनंद आया, मुझे भी बहुत आनंद आया आप सबसे मिलके। जो भी लोगों के क्वेश्चन थे, और आई होप आगे भी जो लोग व्यूवर्स देखेंगे, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चुनने के लिए, आने के लिए, ध्यान करने के लिए। थैंक यू सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप इस सेशंस को देख रहे हैं, हमारा ये सीरीज 3 फरवरी तक चलेगा, और इसी तरह से रोज शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़िए एक नए विषय के साथ, और इसके बारे में जानिए कि सोल जर्नी क्या है, हमारी आत्मा की यात्रा कितनी ब्यूटीफुल है। थैंक यू, थैंक यू।